एवरीवन, वेलकम टू आई एम ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है इब्राहिम और मूसा की बर्थडे पार्टी का, और ब्लॉग जो है मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ जी रात को पार्टी टाइम से, क्योंकि सारा दिन मैं इतनी मसरूफ़ थी कि फुल डे का ब्लॉग बना नहीं सकी, कि मैं इस दिन इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी। जाहिर सी बात है, मैंने किचन में भी खाना शाना बनाना था, काम करना था, और बर्थडे के लिए सारी डेकोरेशन भी करनी थी, और ये सारी मैंने खुद की है। सो इसके पापा ने थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प की, बस थोड़ी थोड़ी, ये था कोई सामान ले आते थे, कुछ बैलून्स में उन्होंने हेल्प की, बाकी डेकोरेशन सारी की सारी मैंने की। अच्छा जी, अब मैं आपको सारी डेकोरेशन जो है डिटेल से दिखाती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत से सारा कुछ अपने हाथों से रेडी किया है, और इतनी मसरूफ़ थी ना सारा दिन कि मैं टाइम देखती थी और हैरान होती थी कि इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है। अभी सबसे पहले बात थीम की, तो थीम जो थी आपको पता चल चुका है, हमारी कार थीम थी, और कार थीम से मैच करते हुए हमने कलर कॉम्बिनेशन रखे थे रेड वाइट और ब्लैक, और उसके अलावा जितने भी आपको पीछे पैनल पे कार्स नज़र आ रही हैं ना, जितनी भी आपको बैक पे कार नज़र आ रही है, ये सारी मैंने वन बाय वन करके गन स्टिक से जोड़ी हैं, और मुझे सिर्फ इसको लगाने में ना 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि एक एक को लगाना था और डिटेलिंग की थी, और ये बड़ी मज़े की चॉकलेट है जो मैंने बच्चों के यहाँ पर लगाई है। फिर जी ये साइड पर थोड़े सिग्नल्स को प्रिटेंड करते हुए हमने बलून्स को ब्लैक और रेड येलो ग्रीन में रखे हैं, और ये गाड़ी, तो ये इसकी फुल लुक मैंने आपको दिखाई है। अब एंट्री होती है बर्थडे बॉयज़ की। हाँ जी, तो दोनों की बर्थडे साथ ही है, इब्राहिम की वैसे तो आती है 12th of June और मूसा की है जी 26th of June, लेकिन दोनों की बर्थडे में 15-20 दिन का गैप है, इसलिए मैं इकट्ठी ही सेलिब्रेट करती हूँ। लास्ट ईयर जो हमने ब्लॉग बनाया था बर्थडे का, वो हमने किया था 12th June को, सेलिब्रेट की थी इब्राहिम की बर्थडे वाले दिन, और आज इस दफ़ा हमने किया जी 26th को। अब नेक्स्ट ईयर जो इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे वो करेंगे इब्राहिम की बर्थडे, ताकि एक साल एक ही बर्थडे पे करूँ, दूसरे साल दूसरे की बर्थडे पे। सो यहाँ पे दोनों बर्थडे बॉयज़ अच्छे अच्छे पोज देते हुए, और पीछे ये शो कर रहे हैं जी 5 और 3 का सिंबल, जो हमने इसलिए लगाया कि इब्राहिम का 5th बर्थडे है, और उसके लिए बनाया जी 5th नंबर की रोड, और मूसा का 3rd बर्थडे है, और उसके लिए जी हमने बनाई 3 नंबर की रोड। रोड तो है हमारी पीछे 5 और 3, लेकिन जितना भी ट्रैफिक है कार्स का सारा रोड्स के बाहर है, रोड्स बिल्कुल खाली हैं। अब जी मैं आपको इतना खूबसूरत है इनका केक दिखाती हूँ। केक आप देखो कितना प्यारा मैंने डेकोरेट करवाया। अब जो केक की डिटेलिंग है, कलर कॉम्बिनेशन से मैचिंग रेड ब्लैक एंड वाइट, नीचे बेस में उन्होंने ब्लैक रोड बनाई है, हैप्पी बर्थडे लिखा है, ऊपर जो उन्होंने बिल्कुल उस पर उसका शेप बनाया डी शेप, और वो पूरी रोड बनाया। रोड पर जी ये हमने कार्स वाली कैंडल्स लगाई हैं, प्यारी प्यारी सी 5 कैंडल्स लगाई हैं। उसके बाद फ्रंट की बात करते हैं, वो रेड है, कार की आइज बनी है, और साइड पे जो सिग्नल्स के उन्होंने वो बनाया हुआ है, उसके अंदर एक साइड पे इब्राहिम का नाम है और एक साइड पे मूसा का नाम लिखा है। तो यहाँ पे दोनों अच्छे अच्छे पोजेस देते हुए, इनकी मैंने सबके आने से पहले यहाँ पे पिक्चर्स बना ली थी, कि बाद में मुझे पता था बच्चे वगैरह आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब जी क्योंकि हमारे मेहमान आ चुके हैं, और बच्चों के साथ हमारी नाकाम कोशिश इस पिक्चर बनवाते हुए, एक बनाता है दूसरा, आप देख रहे हो भागे जा रहे हैं। खैर कुछ बच्चों के, और ये हो रहा था बच्चे आने के बाद, मुझे पता था ये चॉकलेट्स लगी हुई हैं कार वाली जैन के अंदर, चॉकलेट्स और छोटे छोटे बॉल्स हैं, बच्चों ने ये छेड़ना है, तो इसलिए मेरी कोशिश थी पहले अच्छी से पिक्चर्स बनवा लूँ, मेरा गाड़ी में बैठ के खुश होते हुए, और राहिम यहाँ पे आके उसे मस्के मारता हुआ कि आप उठ जाओ मैंने बैठना है, मूसा यहाँ पे री नहीं करता हुआ कि मैंने उतारनी है। अच्छा, अब जो बची थी वो मैंने बच्चों को दी भी है, पर उनको वहाँ से उतार के खानी थी, बहुत ही मुश्किल था बच्चों को संभालना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी थी बच्चों ने बार बार खानी थी लेनी थी, और इब्राहिम यहाँ पे फुल ऑन मस्ती करते हुए शोखियाँ मारते हुए, मूसा फिर रो धो के मूसा को एक एक्स्ट्रा दिया खा के फिर घूम के आता था, वहीं पर आके खड़ा हो जाता था, मैंने वहाँ से उतारनी। इब्राहिम तो समझ चुका था कि ये काम नहीं करना, मैंने इतना समझाया कि एक दफ़ा केक कटिंग कर लो उसके बाद पावे अन्नी पा देना, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पे बच्चे जिस तरह मस्ती करते हुए, फिर आ जाती है हमारा सबसे छोटा पीस मिर्हा के साथ अबीहा उसकी सिस्टर, और दोनों गाड़ी में बैठ के हुए झूले लेते हुए, खैर कुछ नहीं चलानी आ नहीं रही थी, बट फिर भी पोस्ट। अब हम जी केक कटिंग की तरफ आते हैं, तो केक आपको दिखाऊं कितना खूबसूरत था। इसके साइड्स पे जो हैप्पी बर्थडे के साइड्स पे 2 टेम्परेरी छोटी कारें वो मैंने खुद से ऐड की। अब कटिंग की तरफ आते हैं, तो आंसर करते हैं कैंडल्स ऑन, ये बहुत खूबसूरत केक लग रहा था, कैंडल से इनकी ग्रेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर मूसा आप देख रहे हो री नहीं करते, क्योंकि मूसा फुल नींद में था और ना गोद में सो भी गया था, मैंने मूसा को यहाँ ज़बरदस्ती बिठाया हुआ था, पर ना वो आँखों ना नींद में था और इधर उधर हो रहा था कि मुझे सोना है। तो यहाँ पे मूसा फुल जैसा मैंने बताया रोई जा रहा है। इब्राहिम खुश होकर कटिंग करते हुए, तो यहाँ पे कोशिश करती हूँ मैं मूसा को चुप कराने की, उसे केक खिलाया पर उसने नहीं खाया, इब्राहिम ने खा लिया था, स्टिल मूसा रोई जा रहा है। मूसा ना को ना मैंने सोए उठाया था, मतलब ये अभी लेटा ही था, खुद ही सो गया था। फिर इब्राहिम यहाँ पे खुश होते हुए, सबसे अब जाहिर है पैसे शैसे आने हैं, तो बड़े खुशी से पकड़ते हुए सबसे पहले इसकी नानू आई, उन्होंने दिए, और राहिम यहाँ पे इस इंतजार में कि इब्राहिम कब उठे और मैं कब गाड़ी में बैठूं। फिर आते हैं जिसके छोटे मामू मामी, वो इसे देते हैं बर्थडे। अब मूसा क्योंकि सो गया था, तो मूसा के भी जो कैश था वो इब्राहिम को ही सब पकड़ा रहे थे। फिर बड़े मामू मामी आते हैं, वो देते हैं, मिठा बाजी दे देती हैं अपनी मामा के हिस्से से, वो ज़ाहिर बच्चे हैं ना, तो एक दूसरे को देते हुए खुश हो रहे हैं।
यहाँ पे सारे, अब जाहिर है जो गिफ्ट थे, गिफ्ट वगैरह कोई सीन नहीं, क्योंकि इतने टॉयस इकट्ठे हो जाते हैं ना कि फिर बाद में बच्चे पागल हो जाते हैं। फिर इसके नाना नानू आ जाते हैं, वो दोनों इन्हें कैश देते हैं। फिर छोटे मामू आ जाते हैं, वो भी सब ने कैश दिया था। गिफ्ट मैंने बताया ना पिछले साल के जितने भी टॉयस थे ना, इनके दो दो तीन तीन नए भी पड़े थे और वो तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे छोटे मामू इसकी मस्ती करते हुए कभी इब्राहिम से लेते थे, कभी उसे देते थे, तो वो खुश हो रहा था कि मेरे पैसे हैं, उसको देते थे, वो फिर खींच लेते थे, मतलब मजाक में उसके साथ लगे हुए थे। अब जी यहाँ पे सारा काम हो गया, तो फिर केक कटिंग होगी हमारी। अब हम चलते हैं जी खाने की तरफ। खाना शाना लगाते हैं सबके लिए, सबको देते हैं खाना, फिर हम केक कटिंग करके वो सर्व करेंगे। मतलब कटिंग सेरेमनी तो हो गई, लेकिन खाने के बाद सारों को सर्व करेंगे एज अ मीठा। खाने में मैंने बनाया था जी ज़ीरा राइस, ज़ीरा चिली राइस, इसके साथ मैंने बनाया था जी स्टीम वाला चिकन, और कटलेट्स बनाए हुए थे, शामी बनाया था, दही बड़े बनाए थे, अचार गोश्त बनाया हुआ था, मैक्रोनी बनाया हुआ था, और ये पे मैंने चिकन लॉलीपॉप्स बनाए हुए थे, रायता था, और साथ हमारी कोल्ड ड्रिंक जो थी, कोल्ड ड्रिंक वैसे मैं बताती हूँ, हमने बायकॉट किया, स्प्राइट कोक नहीं पीते, जो हमारे पास है एक चली हुई है, इसे क्या कहते हैं, लेमन नहीं पता नहीं क्या था। अच्छा यहाँ पे मूसा मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी गोद में सो रहा था, मूसा सो रहा था, और फिर इसके यहाँ पे इसके मामू मामी दोरा थोड़ा उस साइड पे होकर सोफ़े पे बैठ गए, क्योंकि जगह बहुत कम थी, बाहर भी डेकोरेशन की वजह से सोफ़े वगैरह साइड पे किए हुए थे, दीवान वगैरह, तो अंदर ही खाना लगाया, और यहाँ पे मिल जुल के सारे खाना शना खा रहे, खाने को इंजॉय किया। उसके बाद मूसा सोते हुए और खाना खाने के बाद, क्योंकि बर्थडे हो गया था ख़त्म, तो अब हमारे यहाँ पे डेकोरेशन की होगी हालत थी कुछ यूँ। बच्चे क्योंकि पहले रोका जा रहा था, अब वो उतार उतार के खा रहे थे, बच्चे भी और बच्चों के बड़े भी, मामू भी इसके। ये वैसे इसकी मज़े की चॉकलेट वैसे है मज़े की, मैंने खुद भी खाई हुई है। तो इब्राहिम और राहिम रायहा बच्चे तो कर ही रहे थे, बड़े भी यूँ ही कर रहे थे, उतार उतार के बस अब खाना शुरू, यही सब लगे हुए थे। पहले तो बड़ी मुश्किल से बचा के रखा बच्चों को, दूर दूर रखा के भाई पिक्चर्स ना ख़राब हों। उसके बाद फिर सारे आ गए, बड़े मामू, फिर इसका छोटे मामू आ गए, फिर यहाँ पे यही बच्चे रो रहे थे और उतार उतार के खा रहे थे। मैं आपको दिखाऊँ वो जगह खाली जहाँ जहाँ से हमारी सारी की सारी हो चुकी हैं गायब। और यही था हमारा आज का बर्थडे व्लॉग।